हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंट लॉन्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के पेपर का सेक्शन बी पार्ट। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन ए पार्ट डिस्कस कर चुका है अपने पुराने वीडियो में, अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आज स्टार्ट करता हूँ अपना सेक्शन बी को डिस्कस करना, ठीक है। तो सेक्शन बी का मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका है सेक्शन ए में जैसा था सेक्शन बी में भी लगभग समवॉट सेम ही है। इसमें 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बोल रहा है, हाँ, कि एक वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, डाइल्यूट किया गया है, उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 750 mm ऑफ Hg एट 373 केल्विन। सेम टेम्परेचर पे मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। तो अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां पर वेपर मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे को, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन भी वेपर प्रेशर के टर्म में ही निकलेगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर गिवन काफी सारी चीजें नहीं दी हुई है। जैसे आपको पहले मैं ये बता दूं कि गिवन है एक्चुअल में दिया क्या है, यहां पर दिया हुआ वेपर प्रेशर, लेकिन यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया, सॉरी सॉल्वेंट नहीं दिया है, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। यानी यहां पर जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो सॉल्यूशन का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750 mm, ठीक है। और मेरे को पता क्या होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए ओरिजिनल वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मेरे को पता होना चाहिए। तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट क्या है, ये तो पता है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन रहा है, यानी ग्लूकोज हो गया यहां पर सॉल्यूट, है ना, क्या हो गया सॉल्यूट। और यहां पर जो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, यानी वाटर, यहां पर वाटर क्या हो जाएगा मेरे लिए, यहां पर वाटर हो जाएगा मेरे लिए सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मेरे को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर चाहिए मेरे को, जो कि कितना होता है सबको पता है, कितना 760 mm ऑफ Hg होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है गिवन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कुछ बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा, एक मिनट मैं ब्लैंक पेज निकालू यहां से, ब्लैंक पेज तो यहां पर दिया नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, यहां पर मैं यूज कर लेता हूं इसको, इससे यहां पर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को ग्लूकोज का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। तो अब इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 760 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 760 है ना, और माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 750, ये 760 और ये 750 अपॉन प्योर का कितना अगेन 760, तो इसको माइनस कर दो, तो 760 माइनस 750 करोगे कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 अपॉन 760, 0 0 कट, 1 अपॉन 76, कितना है 1 अपॉन 76, ये ना ऑप्शन सी सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि कौन सा बेसिस डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग सभी को एक पता है कि डीएनए में प्रेजेंट होता है एट सीजी, क्या प्रेजेंट होता है एट सीजी, और आरएनए में प्रेजेंट होता है ओसीजी यानी एयूसीजी, दोनों में कॉमन एसीजी है। मैं नाम पूरा बता दूं, एडिनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है एडिनिन यूरासिल साइटोसिन ग्वानिन, यानी टी की जगह सी यू प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो कॉमन कौन हुआ ए सी और जी, यानी एडिनिन साइटोसिन और ग्वानिन, तो एडिनिन साइटोसिन और ग्वानिन, तो ऑप्शन ए सही है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एक कंपाउंड एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C3H8O, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे अपन दूसरे कंपाउंड वाई में जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O2। पहला बेसिक मैं आपको बताता हूं, पहला बेसिक तो ये है कि इसके पास पहले एक ऑक्सीजन था, बाद में दो ऑक्सीजन हो गया, यानी डेफिनेटली ये जो एक ऑक्सीजन था वो टर्मिनल में प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि तो कार्बन की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, देखो पहले भी कार्बन तीन था और अभी भी कार्बन तीन है, यानी कि वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें टर्मिनल नहीं है, इसमें टर्मिनल है, इसमें टर्मिनल नहीं है और इसमें टर्मिनल है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आया समझ में। दूसरा चीज, ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन से सीधा दूसरे में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम लोग अगर स्टेप वाइज जाए तो हम लोग सभी को पता है कि अगर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करूं तो मेरे को मिलता है अल्कोहल यानी OH,
एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं तो मेरे को मिलता है या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करूं तो मेरे को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर डबल ओ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इससे पहले वाला कंपाउंड डेफिनेटली क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। और क्योंकि ये टर्मिनल पे होगा, क्योंकि कार्बन एटम चेंज नहीं हुआ ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम नहीं हुआ, इसीलिए टर्मिनल बोल रहा हूँ बार बार मैं, तो ये एल्डिहाइड होगा यानी ये वाला। और वैसे अगर आपको ये भी ना पता हो ना, तो नॉर्मली आप जाओ तो भी आप दो को एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर्मूला देखो आप पहले, कंपाउंड एक्स में भी पूछा है ना, तो C3H8O, इसको देखो C3 है, 3 2 5 6 7, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8, 8 है इसमें, कोई बात नहीं। इसको देखो 3 3 6 7 8, ये भी 8 है, 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, तो यहां पर C3H6 हो रहा है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, जो कि अपना एल्डिहाइड होने वाला था वो नहीं होगा, तो अब वो क्या होगा, अल्कोहल होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर हुआ आपको, क्या सही होगा, ऑप्शन सी ही सही होगा। क्लियर हुआ है आपका चीज, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। चलो आगे बढ़े हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि कौन सा रिएजेंट रिक्वायर्ड होगा वन स्टेप कन्वर्जन के लिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए। ये कौन सा रिएक्शन है, ये देखकर कुछ याद आ रहा है मेरे को, तो जहां तक लगभग साइड में लग रहा है ये कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, याद है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन और फिर डायजोनियम यानी N2+, क्लोराइड यानी Cl, इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां पर अपन रिएक्ट कराते थे Cu2Br2 एसिडिक मीडियम में, तो बनाता था ब्रोमोबेंजीन, तो आंसर होगा Cu2Br2। ठीक है, यही रिएजेंट रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ज़ेनॉन इन XeF2। अच्छा, तो यहां पर ध्यान देना, तो XeF2, अब जिनको पता होगा और जिनको नहीं पता, ठीक है, ज़ेनॉन एक नोबेल गैस है यानी नोबेल एलिमेंट है, तो इसके पास होना चाहिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब दो के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो बचे कितने, 6 यानी कितने पेयर हुए, 3, तो इसके पास प्रेजेंट होगा 3 लोन पेयर, तो ये खत्म, ये खत्म, सी और डी। XeF4 में इसमें दोनों में दो दिया, तो उसको कैलकुलेट ही मत करो। XeF6 का देखो 8 होते हैं, 6 के साथ बॉन्ड बना लिया, बचा 2 यानी कितने लोन पेयर हुए, 1 लोन पेयर, 2 यानी कितने लोन पेयर हुए, 1 लोन पेयर, तो आउटरमोस्ट वन यानी डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, यानी कि कौन सा सल्फर का मॉलिक्यूल यहां पर जो दिया हुआ है, जैसे यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, S4 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, S6 दिया, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो मैं आपको बता दूं, पहला चीज तो ये कि सल्फर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर को थोड़ा एलिवेट किया जाए ना, सल्फर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है और बनाता है H2 मॉलिक्यूल, जो कि पार्शियली एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में वो भी। ठीक है, और इसी कंडीशन पर ये जो H2 होता है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल पे, और यही क्या करता है, एज अ पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर मैं गिवन लिख दूं, डेंसिटी दी हुई है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बीसीसी लैटिस बना रहा है, बीसीसी लैटिस के लिए सभी को पता है कि जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। एच लेंथ दिया हुआ है 3 × 10⁻¹, यानी ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, दी हुई है 3 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। ठीक, मोलर मास ऑफ एलिमेंट निकालना है, यानी एम की वैल्यू निकालनी है, और एन की वैल्यू भी दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 × 10⁻³ दी हुई है ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो फॉर्मूला तुमको पता है डेंसिटी का क्या होता है, D = ZM/A³ × Na। अच्छी बात यह, यहां पर तो तुमको m की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कर लो, तो कैपिटल M = ये इधर चल देगा, तो D × A³ × Na / Z की वैल्यू पुट अप कर दो,
तो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 into a³ कितना दिया 3 into 3 into 3 into 10 to the power -24 मैंने डायरेक्टली क्यूब कर दिया इंटू एन कितना दिया 6 into 10 to the power 23 होल अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है 2 ठीक है 23 है ये अब इसको डिवाइड करो 2 1 जा 2 3 जा ये 24 माइनस और ये 23 प्लस तो 10 टू द पावर माइनस 1 बचा तो ये 3 into 3 into 3 into 3 into 3 यानी 3 का पावर 5 कितना होता है 243 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 यानी एक वैल्यू कम कर दो 24.3 आंसर होगा 24.3 ग्राम पर मोल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसके लिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन नंबर 33 इसमें बोला है कि CH3Br यानी ये RX है इसको जब मैं Mg के साथ रिएक्ट कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ठीक है तो ये क्या बनाएगा तो ये बनाएगा RMgX बनाएगा क्या बनाएगा RMgX जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और जब मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा यानी पानी डालूंगा तो यहां पर ध्यान देना पानी के पास दो कंपोनेंट H+ और OH- और RMgX में से ब्रेक डाउन होता है RRMg जिसमें से Mg के पास प्लस आता है और R के पास माइनस आता है तो माइनस वाले के पास प्लस अटैच होगा और प्लस वाले के पास माइनस अटैच होगा यानी R के पास क्या अटैच होगा H R क्या है CH3 तो CH3 के पास अटैच हुआ तो CH4 बनेगा तो Y क्या कंपाउंड बनेगा CH4 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर एक बात याद रखना ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है सबसे जल्दी कौन रिड्यूस कर पाएगा ठीक है ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर यानी कौन अपने सबसे जल्दी H+ को लिबरेट कर सकता है तो जिसका बॉन्ड वीक होगा और बॉन्ड वीक होता है HI का तो यही होगा नेक्स्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज अच्छा तो को ध्यान रखना मोलर दिया हुआ है यानी मोलालिटी दिया हुआ है स्मॉल m इज इक्वल्स टू 0.2 ठीक है KF फॉर वाटर दिया हुआ है तो KF फॉर वाटर कितना दिया 1.86 मेरे को फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो मैं यहां से डेल्टा भी निकालूंगा सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा बी की वैल्यू कितनी होगी करके ठीक है चलो तो डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बी इज इक्वल्स टू सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट बोला डेल्टा एफ निकालेंगे अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे डेल्टा एफ तो डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम ठीक है के एफ की वैल्यू दी है 1.86 एम की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई कर दो उसको आंसर कितना आएगा 1.86 into 0.2 आंसर आएगा 0.372 तो डेल्टा एफ की वैल्यू निकल गई है अच्छा अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो इनिशियल रहता है उसका ज्यादा रहेगा बाद वाले का कम हो जाएगा तो फॉर्मूला बनता है टीबी नॉट माइनस टीबी तो टीबी नॉट माइनस टीबी सॉरी टी एफ मैं क्या बार बार बी बोल रहा हूँ यार ये तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट है ना मेरे बार बार कंफ्यूजन के चक्कर में बॉलिंग लिख दे रहा हूँ तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.372 आ गई क्योंकि डेल टी एफ का मतलब तो ये होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ अच्छा टी एफ नॉट का मतलब था सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट कौन है नन अदर देन वाटर तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस ठीक है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ का कितना होगा उसी का तो निकालना है इज इक्वल्स टू 0.372 ये जीरो इधर चल देगा तो माइनस जीरो हो गया लेकिन ये माइनस माइनस उसको पहले माइनस करो 372 आएगा 0.372 अब ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस 0.372 आएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस ठीक है आगे समझ में कितना आएगा नेक्स्ट इन बीसीसी स्ट्रक्चर द पैकिंग एफिशिएंसी इज़ अप्रॉक्सिमेटली 68% ये याद रख लेना काफी इंपॉर्टेंट है और बताया भी गया था आपको इंपॉर्टेंट टर्म में कि भाई वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद रखा करो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि NO2 गैस डाइमराइज होता है बिकॉज इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर इसलिए वो डाइमराइज बनाता है एक कंपाउंड जिसका HCP स्ट्रक्चर है इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 0.5 मोल में अरे भाई सीधी सी बात है एक मोल में 2n होते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है एवोगैड्रो नंबर यानी 2 into 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा एक मोल में 0.5 में कितना होगा इसका आधा डिवाइड बाय 2 यानी कितना हुआ 6.02 into 10 to the power 23 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि XeF2 ऑन रिएक्शन विद PF5 जब XeF2 PF5 के साथ रिएक्ट करता है
ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भाई एक बात याद रखना, जब XeF2 ना PF5 के साथ रिएक्ट करता है तो PF5 जो होता है वो होता है फ्लोरीन एक्सेप्टर, और XeF2 जो होता है वो होता है फ्लोरीन डोनर। तो XeF2 में से XeF और F माइनस निकल जाएगा यहां से, क्योंकि ये डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा XeF प्लस, और जो PF5 है वो एक फ्लोरीन इसमें से निकला हुआ एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा PF6 माइनस, क्योंकि F माइनस एक्सेप्ट किया, तो बना इसका XeF प्लस और PF6 माइनस यानी C। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि इस फॉलोइंग कंपाउंड को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। मैं आपको पहले बता चुका हूं माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसमें देखो, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। ठीक, ये प्लस आई वाला है तो ये कम कर देगा ओरिजिनल से, यानी सबसे कम वन होगा, तो सबसे कम वन सिर्फ एक ही में दिया तो यही आंसर होगा। ठीक है, वैसे आंसर निकालने के लिए, और वैसे आपको बता दूं मैं, तो ध्यान देना ये माइनस आई बढ़ा इसमें तो जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक, यानी 2 ज्यादा एसिडिक होगा 3 से, तो 2, 3, 1 ये आंसर होगा। ठीक है, ये गलत टिक लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि कौन से कंपाउंड को रेसमाइजेशन के अंदर जाएगा जब हाइड्रोलिसिस करेंगे। अरे भैया, रेसमाइजेशन होने के लिए कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तो जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वही रेसमाइजेशन में जाएगा। तो इसमें कायरल कार्बन है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? हाँ, इसमें कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है सिंपल भाषा में आपको समझने के लिए बता रहा हूं, एक ऐसा कार्बन जिसके चार अलग अलग बॉन्ड होंगे, यानी चारों अलग अलग एटम या कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, चारों बॉन्ड अलग अलग किसके साथ बनेंगे, तो वो होता है कायरल कार्बन। क्लियर हुआ? तो कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, पता चल गया आपको? ठीक है, तो डी में कायरल कार्बन है इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है। तो भैया, अभी अपन लिख के आए थे कि I2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, यही गलत है, बाकी सारे सही है। फ्लोरीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट बस होता है। फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, हाफ HOF। इसके अलावा FF का जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो क्लोरीन से कम होता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए उसका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? सबसे पहले आप आइसोब्यूटाइल बनाओ और फिर ब्रोमाइड बनाओ, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो 1, 2, 3, तो इसका हो जाएगा 2, यानी 1-bromo-2-methyl-propane, 1-bromo-2-methyl-propane, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे ना ड्राई इथर गिव्स डाइफिनाइल। अरे भैया, ये फिटिक रिएक्शन है, डाइफिनाइल फिटिक में ही मिलता है सिर्फ, ठीक है, सोडियम के ट्रीटमेंट के साथ, ये फिटिक रिएक्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है अमोनिया इज लेस बेसिक देन PH3। अरे भाई, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है देन फॉस्फीन, तो पहले ही असर्शन फॉल्स हो गया, तो तुमको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा जहां पर ए फॉल्स दिया होगा, आर ट्रू, यानी इसका ऑप्शन डी सही है, और वैसे भी रीजन सही है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फॉस्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यस, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है मोलर कंसेंट्रेशन, यस, यानी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्यूट की, यस, डिपेंड करता है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है असर्शन का, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 47 क्या बोला है, एराइड हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एराइड हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यस, ये लेस रिएक्टिव होता है जहां पर हैलोजन प्लस आई इफेक्ट्स होकर, भाई हैलोजन माइनस आई इफेक्ट्स होकर, एराइड हैलाइड, ये गलत हो गया। ठीक है, तो रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा, अब एराइड हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहां पर क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबलाइजेशन आ जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसमें क्या बन जाता है, उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, बेंजीन रिंग और जो हैलोजन ग्रुप अटैच है उसके बीच में, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये एलिमिनेट नहीं हो पाता, यानी ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता, इसीलिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यस, फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होता क्योंकि एटम उसके नॉर्मल साइड को छोड़कर इंटरस्टीशियल साइड में चल देता है, तो रीजन दिया है बिकॉज आयन शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू इंटरस्टीशियल साइड, यस, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का,
क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। यस, ओजोन ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, ये सही है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली, अरे भैया एक मिनट, ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए होता है क्योंकि ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये रेडली डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन ओजोन के कंपैरेटिवली ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, ये जस्ट उल्टा लिख दिया है। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो इस बंदे का बेचारे का सारा असर्शन एंड रीजनिंग तो सही है, चलो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन और सेक्शन सी जो बची अपना उसको अपन डिस्कस करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है। तो होपफुली आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।